बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद करते हैं। बेटा, हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट फोर न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। देखें, ये न्यूमेरिकल एक दूसरे से चेंज थे, इसीलिए तकरीबन मैंने कमाया सारे। अब जैसे जैसे आगे आगे न्यूमेरिकल सेम आते जाएंगे तो वो आप लोगों को असाइन किए जाएंगे, कि आप लोग खुद करें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनके असाइनमेंट बनाएं। इसी तरीके से आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 15.5, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, तो उसको पढ़ते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या डाटा है और क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। Two coils are placed side by side. कहते हैं कि दो coils हैं, एक दूसरे के साथ रखी हुई हैं। An EMF of 0.8 volt is observed in one coil. एक coil के अंदर कहता है कि जो EMF induced हो रही है, उसको observe किया गया है, उसकी value 0.8 volt है। EMF E 0.8 volt। देखिए, आपको पता है कि अगर दो कॉइल्स हो, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि जिस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है या ऑब्जर्वेशन होती है, उसको हम सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं। उसको हम किसका नाम देते हैं? सेकेंडरी कॉइल का नाम। इन वन कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पीयर पर सेकंड, कहते हैं कि करंट की वैल्यू दूसरे क्वायर के अंदर चेंज हो रही है 200 एम्पीयर पर सेकंड के हिसाब से। देखिए, आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल आई ओवर डेल टी इज इक्वल टू 200 एम्पीयर पर सेकंड। जो करंट की वैल्यू हम चेंज करवाते हैं वो फर्स्ट क्वायर के अंदर, इट मीन प्राइमरी क्वायर के अंदर चेंज करवाते हैं, तो इट मीन डेल आई पी ओवर डेल टी। इन द अदर क्वायर What is the mutual inductance of the coils? Coils की mutual inductance क्या होगी? It means mutual inductance आपने capital M find out करना है। This is question mark. Solution है हमारे पास। As we know that mutual induction का क्या formula था? ES is equal to M डेल आई पी ओवर डेल टी। ठीक है, आपको एम की वैल्यू चाहिए, ये सारा टोटल फैक्टर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो एम इज इक्वल टू एस ओवर डेल आई पी ओवर डेल टी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, ई एस ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल्स 0.8 volt divided by del IP over del T 200। So mutual induction की क्या है, inductance की क्या value होगी हमारे पास है? 4 multiplied by 10 raised power minus 3। इसको आप solve कर रहे हैं, 4 10 raised power minus 3 ये है मेरे के अंदर होता है, 10 raised power minus 3 ये हमारे पास मिली के अंदर convert हो जाएगा और मिली हेनरी इसकी वैल्यू आएगी। बेटा, आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है 15.7। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो चीज सेम होगी वो आप लोग खुद करेंगे। प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट की, आगे सेल्फ इंडक्टेंस है वो आप लोग खुद करेंगे। और इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 15.8, उसका डाटा देखना है। अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 8.0 सेंटीमीटर, एक सोलेनोइड है, उसकी लेंथ दी गई है 8.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज माइनस 2 मीटर, इट मीन मैंने 100 से डिवाइड कर दी। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू दी गई है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको भी मीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं
मीटर के अंदर कन्वर्ट करने का क्या फार्मूला, सेंटीमीटर से जब हम मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये स्क्वायर है तो हमारे पास एक और 100 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हमारा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया की वैल्यू है। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है सोलेनोइड की। When the core is here, if the current in the solenoid increases, current की value solenoid के अंदर increase हो रही है through 1.5 ampere, current की value increase हो रही है, तो ये हमारे पास del I 1.5 ampere in 0.2 second, del T की value दी गई है 0.2 second. Find the magnitude of induced EMF की वैल्यू जो होती है, कितनी चेंज हो रही है, कितनी इंड्यूस्ड हो रही है, वो चीज फाइंड आउट करके। इसके अंदर हमने सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस भी फाइंड आउट करके देनी है और एक ईएमएफ भी फाइंड आउट करके देनी है। ईएमएफ के लिए तो आपको पता है कि E is equal to L del I over del T, हमारे पास ये फार्मूला होता है, लेकिन L हमारे पास सोलेनोइड के लिए क्या फार्मूला होता है, L is equal to mu naught n square a l, mu naught n square a l, देखिए mu naught हमारे पास है, इसकी भी वैल्यू है, ये एरिया है, एरिया ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, लेकिन n की वैल्यू नहीं है। As we know that n is equal to capital N over L, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, L is equal to mu naught n square over L square multiplied by EL, L L से कैंसिल आउट, so L is equal to mu naught n square A over L, तमाम के तमाम वैल्यूज आप इस फार्मूले के अंदर पुट करें, L is equal to mu naught 4 pi multiplied by 10 to raise minus 7 मल्टीप्लाइड बाय n 520 मल्टीप्लाइड बाय a, एरिया हमारे पास है 0.5 10 रेस पावर -4 डिवाइडेड बाय लेंथ जो है 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस -2, ये अगर आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकलेगी 2.12 10 रेस पावर -4 हेनरी के अंदर ये वैल्यू निकलेगी, तो वे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, हेनरी होता है। आगे हमारे पास है ईएमएफ हमने फाइंड आउट करनी है, ई इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी, एल की वैल्यू यहां से हम निकाली हुई है, ये पुट करेंगे 2.12 10 रेस पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय डेल आई की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाय डेल टी की वैल्यू है हमारे पास 0.2 सेकंड। अगर आप इसी सारी चीज को कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस -3 वोल्ट, -3 वोल्ट के अंदर ये हमारे पास आंसर निकलेगा, तो ये हमारे पास बेटा आंसर। बेटा आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11 है, उसका डाटा देखें, अ स्क्वायर ऑफ क्वायर साइड ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, एक क्वायर उसकी स्क्वायर के अंदर उसकी एक साइड की लेंथ दी गई, लेंथ 16 सेंटीमीटर, हैज 200 टर्न्स, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है कैपिटल एन की जो वैल्यू है 200, एंड रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है 0.05 टेस्ला। If the peak EMF
इस 12 वोल्ट, अगर पीक ईएमएफ हो हमारे पास 12 वोल्ट, तो पीक ईएमएफ हम ई नॉट से शो कर दे। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या चीज किस चीज से शो कर दे? इसको ओमेगा से, इज इक्वल टू कसन मार। अब इसके अंदर देखें एक फार्मूला, मैंने आपको बताया था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर E नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी नवाब के नाम से, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एरिया ए एरिया बी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज नीचे आके डिवाइड हो जाएगी E नॉट डिवाइडेड बाय एन ए बी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एन ए बी। अब इस फार्मूले के अंदर देखें ई नॉट की वैल्यू भी है आपके पास, एन की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं। ए की वैल्यू आप इस लेंथ से निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास उसने बताया कि स्क्वायर लूप है, और जितनी हमारे पास स्क्वायर की एक साइड की लेंथ होती है वो ही चारों साइडों की लेंथ होती है, बाकी जो तीन बचती है उनकी लेंथ भी सेम होगी। सो एरिया की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर्स के अंदर चेंज करेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 10 को रेज माइनस 4 मीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू आ गई। ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई नॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 200 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया की अभी हमने वैल्यू निकाली है 256 टाइम रेज पावर माइनस 4, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.05 टेस्ला। इस सारी कैलकुलेशन को अगर आप हल करेंगे तो ये आपके पास आंसर निकलेगा 46.87 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। ये भी आंसर ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखना है वो भी लिख दें, ये भी ठीक है। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा, इसके अंदर आगे हमारे पास दो न्यूमेरिकल रहते हैं 15.16 एंड 17, वो आप लोगों ने असाइनमेंट के अंदर लिखने हैं। असाइनमेंट के अंदर जो आप लोगों ने लिखने हैं वो मैं ऊपर लिख के दे रहा हूं। राइट प्रॉब्लम नंबर 15.7, 15.10, 15.16, 15.17, चार न्यूमेरिकल आपने असाइनमेंट के अंदर लिखने हैं। सातवां, दसवां, सोलहवां, सत्रहवां, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आज का लेक्चर एंड हुआ बेटा, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।